दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना का हेल्थ कार्ड बनाना हुआ अब पहले से और भी आसान। गवर्नमेंट ने एक ईकेवाईसी का नया पोर्टल लाया है, जहां से आप खुद से ही ऑनलाइन अपनी जो केवाईसी है वो कर सकते हो। कार्ड बनने के बाद में आप अपना जो कार्ड है ऑनलाइन ही डाउनलोड कर पाओगे। इसके लिए अब आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी और गवर्नमेंट की तरफ से 5 लाख रुपये तक का जो मुफ्त ट्रीटमेंट की फैसिलिटी दी जाती है उसका आप लाभ ले पाओगे। तो इस वीडियो में हम पूरा प्रोसेस देखेंगे, कैसे एक नए व्यक्ति का कार्ड अब आपको बनाना है, कैसे डाउनलोड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को beneficiary.nha.gov.in पे आना है। ये इसका एक नया ऑफिशियल पोर्टल है जिसके जरिए आप अपना आयुष्मान भारत योजना का जो हेल्थ कार्ड है बना सकते हो। इसका जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब यहाँ पर इस पोर्टल पर आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस पोर्टल पर पहले केवल ऑपरेटर ही लॉग इन कर पाते थे। अभी ये जो पोर्टल है बेनिफिशरीज के लिए भी अवेलेबल हो चुका है, यानी कि अगर आप एक लाभार्थी हो तो भी आप अपना जो कार्ड है यहाँ से बना सकते हो। तो चलिए हम बेनिफिशरी हैं इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में अपना जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर आपको फिल करना है। ध्यान रखना है आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है वही आपको फिल करना है, जिससे कि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद में आपको वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप सभी का जो मोबाइल ओटीपी है वो आपके फोन पर भेजा जाएगा मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के लिए, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। और जो कैप्चा कोड आता है ये कैपिटल अगर है तो कैपिटल, नहीं तो स्मॉल, जैसा है सेम वैसे यहाँ पर फिल करना है। और लॉग इन के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। तो इतना करते ही हम पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पर एक नया कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले तो आप सभी को अपनी जो स्टेट है चूज करना है। स्कीम के सेक्शन में PMJAY ये जो ऑप्शन दिया गया इसको चूज करना है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर चूज करना है। अब इतना करते ही हमारे सामने सर्च बाय का जो पेज है वो आ जाता है, जहां पर आयुष्मान भारत योजना का जो हेल्थ कार्ड है वो कई सारे माध्यम से आज की डेट में बनाया जा रहा है। अगर आपकी हाउस होल्ड आईडी बनी हुई है या फिर आप सभी का राशन कार्ड में नाम है तो आप सभी का हेल्थ कार्ड बनाया जा सकता है। इसी के साथ में कई सारी गवर्नमेंट ने योजनाएं चला रखी उनके अंदर अगर आपका नाम सम्मिलित है तो आप 5 लाख रुपए तक का मुफ्त ट्रीटमेंट की जो फैसिलिटी है उसका जो लाभ है आप ले सकते हो। अब यहां पर आप सभी को अपनी जो डिटेल्स है अगर चेक करना है, अगर राशन कार्ड के थ्रू आप बना रहे हो तो फैमिली आईडी का ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, या फिर आप चाहो तो अपना आधार नंबर फिल करके ही यहां से अपनी जो डिटेल्स है वो फेच कर सकते हो। तो यहां पर हमारे पास में कोई भी डिटेल्स नहीं है तो हम चाहते हैं यहां पर हम नेम के जरिए अपनी जो डिटेल्स है वो फेच कर पाए, तो हम नेम को सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद में अपना जो नेम है जैसा कि आपके आधार कार्ड पर है सेम उसी तरीके से आपको यहां पर फिल करना है। मेल फीमेल जो भी जेंडर है आप सभी को यहाँ पर चूज करना है। अब इसके बाद में आपको यहाँ पर सर्च का जो आइकन दिखाया गया है इस पे आपको क्लिक करना है। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमारा जो नेम है योजना के अंदर सम्मिलित है, यहाँ पर हमारे परिवार की पूरी ही लिस्ट आ चुकी है। यहाँ पर आप अपना नाम देख सकते हो, पेरेंट का नाम देख सकते हो, आपकी जो एज है वो क्या है, यहाँ पर आप उसके हिसाब से अंदाजा लगा सकते हो कि आपका नाम है। तो यहाँ पर हमारे जो नेम है मिलने के बाद में अगर हमारा कार्ड नहीं बना हुआ है तो हमारे नेम के आगे आप देखोगे कि कार्ड स्टेटस के सेक्शन में नॉट जनरेटेड पर मेंशन किया गया है। तो यहां पर अगर हमें कार्ड को बनाना है तो यहां पर एक्शन के सेक्शन में जो आइकन दिखाया गया है इस पे हमें क्लिक करना है और यहां पर हमें अपनी जो केवाईसी है वो करना होगा, जिसके लिए हमें इस पॉपअप में ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद में ईकेवाईसी के सेक्शन में कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं केवाईसी करने के, जिसमें कि आप आधार की ओटीपी के थ्रू केवाईसी कर सकते हो, फिंगरप्रिंट या फिर आयरिस के थ्रू कर सकते हो, जिसमें कि हमारे पास में सबसे आसान है ओटीपी वाला ऑप्शन। तो हम वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कंसर्न पेज आएगा जिसको आपको रीड कर लेना है और यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है, अलाउ कर देना है। अब इतना करते ही हमारे मोबाइल फोन पर एक ओटीपी आएगा जो कि हमारे आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर आएगा, जिसके कुछ नंबर्स आपको दिखाए गए हैं यहाँ पर, वो ओटीपी आपको फिल करना है और सबमिट करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे आधार कार्ड पर हमारे जितने भी रिकॉर्ड्स मौजूद थे वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फेच होकर के आ चुके हैं। यहाँ पर कार्ड बनाने के लिए ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मैन्युअली फिल करने की जरूरत नहीं है, जिसमें कि आप देखोगे कि सोर्स जो डिटेल्स हैं, जिसमें कि अगर हमारा कार्ड राशन कार्ड के थ्रू बनाया जा रहा है या फिर किसी भी योजना के अंदर जो भी हमारा नेम शामिल होगा यहाँ पर आप देखोगे वो दिखाया गया। यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो नेम है जो सोर्स डिटेल्स के सेक्शन में विकास आया है, लेकिन हमारे आधार कार्ड पर जो नेम है वो विकास कुमार है, तब भी आप सभी का जो कार्ड है वो बन जाएगा। यहाँ पर मैचिंग स्कोर आपको दिखाया जाता है, कितने परसेंट आप सभी के रिकॉर्ड्स मैच कर रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि जब सर्वे होता है या फिर जहां से भी डेटा लिया गया है आपका जो नेम है कुछ वहां पर गलत फीड है, तब भी आप अपनी जो केवाईसी है वो कर पाओगे। अगर आपके मैच रिकॉर्ड अच्छे हैं तो आप सभी का जो कार्ड है वो ऑटोमेटिक अप्रूव हो जाएगा। तो यहां पर आप देखोगे कि लगभग सारी डिटेल्स हमारी मैच कर रही है। हमारे आधार कार्ड पर जो भी फोटो थी जो कि काफी पुरानी फोटो है आप देखोगे कि वो भी यहां पर आ चुकी है। अब हमें अपनी एक रिसेंट फोटो यहां पर अपलोड करनी होगी, जिसके लिए यहां पर कैप्चर फोटो के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। तो यहां पर हमारा जो
कैमरा है वो ओपन हो चुका है। अगर परमिशन अलाउ करने के लिए कोई पॉपअप आता है तो आपको अलाउ कर देना है। इसके बाद में आपको कैप्चर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और फोटो पासपोर्ट साइज की जैसे होती है कुछ उस तरीके से कैप्चर करने के बाद में आपको प्रोसीड करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारी जो फोटो है वो लग चुकी है। अब इसके बाद में आप सभी को पेज में नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आप सभी को मोबाइल नंबर का एक ऑप्शन दिया गया जिसमें कि अगर आप अपना मोबाइल नंबर खुद से अपडेट करना चाहते हो तो यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना मन का कोई मोबाइल नंबर अगर है तो वो अपडेट कर सकते हो। बाकी आधार से जो मोबाइल नंबर आपका लिंक है वो ऑटोमेटिक आ जाता है। यहाँ पर आप सभी लोग अगर नो के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये जो प्रोसेस है स्किप हो जाएगा जिसमें कि आधार पे जो नंबर है वही यहाँ से लिंक हो जाएगा। इसके बाद में ईयर ऑफ बर्थ के सेक्शन में अपना जो है यहाँ पर बर्थ ईयर आपको चूज करना है। रिलेशन के सेक्शन में आना है। यहाँ पर जो भी रिलेशन है आप सभी का हाउस होल्ड से जो परिवार के मुखिया हैं, अगर आपके माँ के नाम से कार्ड बना हुआ है या फिर पिता के नाम से कार्ड बना हुआ, जहाँ से भी डिटेल्स ली गई राशन कार्ड के जरिए या फिर अन्य कोई सोर्स से डिटेल्स ली गई हैं, वहाँ पर जो भी रिलेशन है आपको वही यहाँ पर टाइप करना है, पिन कोड फिल करना है। इसके बाद में आप सभी को अपना जो स्टेट है चूज करना है, डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। आपकी जो लोकेशन है शहरी क्षेत्र से हो या ग्रामीण क्षेत्र से हो, जैसे कि मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ तो रूरल का जो ऑप्शन है उसको चूज करेंगे। सब डिस्ट्रिक्ट के सेक्शन में यहाँ पर हम अपना जो डिस्ट्रिक्ट है चूज कर लेंगे। विलेज यहाँ पर लिस्ट मिल जाएगी, यहाँ पर हमें अपने गाँव का नाम सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर इतना करने के बाद में हम सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। हमारे सामने सक्सेस का जो मैसेज है वो आ चुका है। हमारी जो KYC वो हमने खुद से कंप्लीट कर ली है। अब हमें इस कार्ड को बनवाने के लिए कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। कार्ड बनने के बाद में हम इसी पोर्टल से हम अपना जो कार्ड है वो डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पर KYC होने के बाद में आपको ओपन करना है और करीब 24 घंटे अगर वर्किंग डे है तो वेट करना है, नहीं तो 3 से 4 दिन का टाइम लग सकता है इस कार्ड को अप्रूव होने में। तो दोबारा से पोर्टल पर आना है। कार्ड जनरेट होने के बाद में अगर आपको डाउनलोड करना है तो उसी प्रोसेस से आपको सेम लॉगिन करना है। OTP यहाँ पर आपको जो फोन पे आएगा उसको फिल करना है और यहाँ पर कैप्चा फिल करना है, लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इतना करते ही आप पोर्टल के अंदर लॉगिन हो जाओगे। उसी तरीके से आपको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पर स्कीम का नेम सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में सर्च बाय के सेक्शन में आना है। अब यहाँ पर हम नेम से या फिर अपने आधार के थ्रू अपना जो कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि हमने जब KYC की है तो हमारा जो आधार नंबर है वो भी हमारे कार्ड से लिंक हो चुका है, डेटाबेस में आ चुका है। तो यहाँ पर हम आधार कार्ड का जो ऑप्शन है इसको चूज करेंगे, हमारे आधार कार्ड का जो भी नंबर है यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद में सर्च करना है। तो यहाँ पर आप सभी के सामने आपके जो रिकॉर्ड्स हैं वो फेच होकर के आ जाती हैं, जहाँ पर आप सभी का कार्ड अगर इन प्रोसेस में होगा तो कुछ इस तरीके से पेंडिंग का जो है मैसेज आप सभी को शो होगा। और बाकी जैसे ही कार्ड आपका अप्रूव हो जाएगा, जैसे आप देखोगे कि यहाँ पर जिन लोगों के कार्ड अप्रूव हो चुके हैं तो अप्रूवेड यहाँ पर मेंशन किया जाता है। जिनका अगर आपको कार्ड डाउनलोड करना है तो डाउनलोड का जो आइकन यहाँ पर दिया गया है इस पर क्लिक करोगे, आपके आधार नंबर को वेरीफाई करने के लिए OTP आएगा जिसको यहाँ पर कंसर्न के ऑप्शन पर क्लिक करना है, अलाउ करना है। आधार OTP का जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है, OTP यहाँ पर आपको फिल करना है, ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो इतना करते ही आप डाउनलोड कार्ड के सेक्शन में आ जाओगे, जहां पर आप अपना कार्ड या फिर अपने अन्य फैमिली मेंबर्स का कार्ड यहां से डाउनलोड कर सकते हो। अब जैसे कि हमें कार्ड को डाउनलोड करना है, जिसका भी कार्ड डाउनलोड करना है उसके आइकन पे क्लिक करना है। तो हमारे सामने आयुष्मान भारत योजना का जो हेल्थ कार्ड है जिससे हम 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में ट्रीटमेंट करा सकते हैं, उसका डाउनलोड करने का जो ऑप्शन है वो आ चुका है। डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे फोन या कंप्यूटर में जो फाइल है आप देखोगे कि डाउनलोड हो चुकी है। तो इस तरीके से आप सभी लोग आयुष्मान भारत योजना के अंदर अपनी जो KYC है वो खुद से ही कर सकते हो, अपना जो हेल्थ कार्ड है घर बैठे बना करके आप डाउनलोड कर सकते हो। आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करना और इस वीडियो को आप सभी लोग अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर करना, जिसका भी आयुष्मान भारत योजना का हेल्थ कार्ड नहीं बना है, जिसको भी इस कार्ड की ज़रूरत है उसके साथ ज़रूर साझा करना। बाकी आप सभी के मन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपको परेशानी फेस करनी पड़ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, हम उसका भी आंसर ज़रूर करेंगे। और अगर आप सभी को आयुष्मान भारत योजना का हेल्थ कार्ड राशन कार्ड के थ्रू बनाना है तो उसका जो वीडियो है मैंने पहले ही बना रखा, उसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बाकी हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।